नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। द नेक्स्ट स्पीकर फॉर द डे इज द मोस्ट अवेटेड मिस्टर राजज्ञानी जी। I would like to, he needs no introduction, but I would still give some introduction for anybody who doesn't know him. Mr. Rajgyani has done his MSc in yoga and is also a Reiki grandmaster. He has taught over 30,000 plus students all over the world. He is currently a supplier to the Indian Army by profession. Rajgyani ji started the Currencypedia YouTube channel in the year 2017 as a hobbyist, with the main aim of creating more and more numismatists and currency collectors. Over the years, Currencypedia has become a family of more than 750,000 subscribers and has given rise to thousands of hardcore currency collectors. Mr. Rajgyani himself is an avid collector and a world record holder. He has been collecting coins and notes since he was just 7 years old. We welcome you, sir. Thank you very much. कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हर उस व्यक्ति को जो सब जुड़े हैं इस वेबिनार के थ्रू। आप सभी लोग यदि जुड़े हैं तभी हम यहाँ पे हैं। आप सभी लोग यदि हमसे नहीं जुड़े होते तो हम किस काम के। तो सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। उसके बाद आप सभी स्पीकर्स का धन्यवाद कि आप यदि आए हैं तभी हम लोग भी आपको सुनने आए हैं। आप नहीं आते, अपना कीमती समय नहीं देते तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। तो कॉइन कलेक्शन की हावी के ऊपर मेरे को बोलना है कि हावी एक आम इंसान की है या धनवानों की है। तो मैं सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों की जो भी सुन रहे हैं। कॉइन कलेक्शन को धनवानों की हावी कहा जाता है कि ये कोई एक आम इंसान नहीं कर सकता, ये रईसों की, धनवानों की, पैसे वालों की हॉबी है। तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि यह धनवानों की हॉबी तो नहीं है, लेकिन यह हॉबी आपको धनवान जरूर बना सकती है। यदि आप इस हॉबी को एक्सेप्ट करते हैं, अपने नॉर्मल जीवन में यह हॉबी अपनाते हैं, तो एक ना एक दिन आप इस हॉबी की वजह से धनवान जरूर बन जाएंगे। यह जितने भी पुराने धनवान हैं इस हॉबी में जुड़े हुए हैं, जो बरसों से कर रहे हैं कलेक्शन, उनके जीवन के अनुभव हैं। और यह सच है कि यदि आप इस हॉबी को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप एक न एक दिन जरूर धनवान बनेंगे। तो यह तो भाई आपकी गलतफहमी दूर, यह सिर्फ धनवानों का शौक है। दूसरा, इस शौक के फायदे क्या है? कई लोग कहते हैं कि ये शौक तो हम कर लें, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? तो जो सबसे बड़ा फायदा है इसका, वो फायदा है कि आपको डिप्रेशन में जाने नहीं देता। यदि आपके पास यह हॉबी है तो आप कभी अपने आप को डिप्रेस महसूस नहीं करते। और दूसरा, इससे बड़ा फायदा यह है कि यदि गलती से आप डिप्रेशन में चले गए हैं तो आपको यह डिप्रेशन से बाहर निकालती है यह हॉबी। यह एक ऐसा शौक है जो कभी आपको न तो डिप्रेशन में आने देगी, न किसी दूसरी चीज में आपका मन भटकने देगी। कई बार आदमी फ्री रहता है तो सोचता है कि चलो कहीं टाइम पास कराते हैं, कहीं घूम आते हैं, कहीं मूवी देख लेते हैं, गप्पे मार लेते हैं, या फालतू की बुराइयां एक दूसरे की करते हैं, या राजनीति पे बात करते हैं। तो वो सारी चीज़ों से आपको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन यदि आप यह हॉबी अपनाते हैं वो धीरे धीरे करके, कई लोग कहते हैं कि यार वो तो इतना बड़ा कलेक्टर है, या वो जिस मुकाम पर पहुँचे उस मुकाम पर तो हम इस जन्म में नहीं पहुँच सकते। तो यदि आप गौर करेंगे तो जितने भी बड़े बड़े रईस या पैसे वाले या मशहूर फेमस हस्तियां जो हैं, वो सब इसी जन्म में कलेक्टर बनी और इसी जन्म पे उन्होंने वो मुकाम हासिल किया। तो आप भी वह मुकाम हासिल कर सकते हैं, बस आपको लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे बचपन में हमने पढ़ा था कि कुएं पे जब पानी भरते हैं तो बाल्टी जिस रस्सी से बंधी रहती है, वो रस्सी आती जाती है तो सिल पे भी निशान पड़ जाते हैं, उस पत्थर पे, उस चट्टान पे भी निशान पड़ जाते हैं।
या आपने कोई ऐसी मल्टी देखी हो, ऐसी बड़ी बिल्डिंग देखी हो जहाँ पे सीढ़ियों से आना जाना हो और बहुत से लोग आते जाते हैं, तो वो सीढ़ियों के जो फर्श होते हैं वो फर्श भी घिस जाते हैं। तो किसी व्यक्ति को यदि ऐसा बोला जाए कि आपके चलने से फर्श घिस जाएगा तो मानेगा नहीं, लेकिन आप अपने आसपास में पुरानी बिल्डिंगों में गौर करना तो आप देखोगे कि वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं उनके जो टप्पे हैं वो घिसे हुए हैं। तो वो कैसे घिसे? कोई मशीन से तो घिसे नहीं, बस व्यक्ति आता है जाता है आता जाता है, वो पत्थर घिस जाता है। हमने ऐसी ऐसी जगह पे वो पत्थर देखे हैं जहाँ पे 4 इंच मोटे पत्थर लगे थे, अब वो 1/2 इंच के पत्थर बचे हैं, मतलब 3.5 इंच पत्थर घिस गया सिर्फ चल चल के। तो बरसों की मेहनत लगती है कलेक्टर बनने के लिए, आप शुरुआत करें। अब से कई लोग बोलते हैं कि शुरुआत कैसे करें, बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे या कहीं आप मिलोगे, तो शुरुआत कैसे करें ये बताने वाले। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत कैसे की, क्योंकि तो यदि आप लोग मानते हैं कि मैं एक अच्छा कलेक्टर हूँ तो मैंने भी तो शुरुआत करी 7 साल की उम्र से। शुरुआत मैंने करी एक सिंपल डब्बी से। उस जमाने में मेरे पास जो मेरे मम्मी की यूज़ की हुई खाली किसी भी पाउडर की डब्बी थी, उस डब्बी को मैंने लिया, साफ किया और उसमें जो मेरे पास 2-4 सिक्के थे वो मैंने रख दिए। ऐसे आप भी शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी एक छोटी मोटी डब्बी में आप अपने सिक्के इकट्ठा करें, क्योंकि जैसे आपको मैंने बोला कि ये धनवानों का शौक नहीं है, यह शौक आपको धनवान बना सकता है। तो आपको इसके लिए पैसे भी नहीं खर्च करना। आपके घर में जो चिल्लर आई उसमें से आपने सिक्के देखे, जो भी अच्छी क्वालिटी के सिक्के हैं, घिसे हुए नहीं हैं, नए हैं, चमकदार हैं, उनको आप एक डब्बी में इकट्ठा करें। मैंने ऐसे किया था। फिर ये डब्बी बहुत जल्दी भर गई क्योंकि मुझे शौक ज़्यादा था। फिर मैंने एक बर्नी में उसको कन्वर्ट कर दिया, ये उसकी टाइम के लिखे हुए मेरे बचपन के। फिर ऐसे करके ये बर्नी भी भर गई, फिर अब करना क्या है, कुछ रास्ता नहीं था, कुछ बताने वाला नहीं था। फिर मैं कुछ ना कुछ ऐसा सोचता रहता था, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया, क्योंकि वो देख रहे थे कि धीरे धीरे मेरी बचत की आदत जो है डेवलप हो रही थी। जो पैसे मेरे को खर्च करने के लिए मिलते थे उसमें से मैं कुछ पैसे बचाने लगा कि मैं इतने पैसे बचा लूँगा, मेरे को तो क्योंकि 2 पैसे खर्ची मिला करती थी, उस जमाने से मैंने बचत स्टार्ट की। तो 2 पैसे 3 पैसे, फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो 5 पैसे 10 पैसे, मेरे को आखिरी खर्ची जो मिली थी वो 15 पैसे मिली थी। तो वो सारी खर्ची जो मेरे को मिलती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे पास भी 1 रुपये का सिक्का होना चाहिए। तो 1 रुपये इकट्ठा करने के लिए मेरे को काफ़ी दिनों का अपना खर्चा जो है मेंटेन करके उसमें से 1 रुपया बचा के फिर 1 रुपये का सिक्का इकट्ठा करना है। तो उसके साथ मेरा लगाव होता गया, धीरे धीरे वो बढ़ता गया। ये सब करते करते जो है मैं धीरे धीरे बड़ा होता रहा। तो दूसरी आदतें जो थी मेरे दोस्तों को लगी, जिनको लोग व्यसन बोलते हैं, कि फालतू पिक्चर देखने जाना या कुछ और चीज़ें करना, तो वो सारी चीज़ों से मैं दूर रहा क्योंकि मेरे को ये हॉबी लग चुकी। मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग इसको नशा बोलते हैं, तो मैं इसको नशा नहीं बोलता हूँ, मैं इसको मेडिटेशन बोलता हूँ। कि जब भी आपको कुछ ऐसी निराशा होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, जीवन है, आम इंसान है, सब कुछ दुख सुख लगे हुए होते हैं, तो जब भी आप अपने आप को बहुत निराश महसूस करो, कहीं असफल हो जाओ या आपके मन की चीज़ नहीं हो, तब मैं अपना कलेक्शन लेके बैठ जाता था और उस कलेक्शन को देख के मेरे को ऐसा लगता था जैसे मैंने मेडिटेशन कर लिया। चूँकि जैसे कि आपको बताया हार्दिक जी ने कि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मैं रेकी से भी जुड़ चुका था। तो रेकी में हमको मेडिटेशन करना सिखाया था हमारे जो गुरु थे उन्होंने। तो मेडिटेशन करने के बाद जो मुझे फील होता था वैसा ही फील मुझे पाइन देखने के बाद होने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेडिटेशन ही है ये, मतलब आप इसको नशा नहीं बोल सकते, आप इसको मेडिटेशन बोल सकते हैं। तो मैंने इसका नया नाम रखा है कि पाइन कलेक्शन आपके लिए एक मेडिटेशन का काम करता है। तो आप लोग भी जो सुन रहे हैं वो सभी लोग इसको एक मेडिटेशन की तरह रहें, और एक और चीज़ कि अब मैं इतनी ऊंचाइयों पे कैसे पहुंचा। तो मुझे तो पता नहीं था, जब नए नए सिक्के इकट्ठा करना चालू किए, बस मेरा शौक था, मैंने किया। तो मेरी मुलाकात हुई थी कुछ वर्षों पहले एक व्यक्ति से,
वो व्यक्ति हमारे पापा से मिलने आए थे और वो कुछ सिक्के दिखा रहे थे, तो मेरे पापा ने बोला कि यार मेरे बेटे को भी बहुत शौक है, उनके पास एक बुक थी, ये तो मेरे पापा के मित्र पर क्या बताऊं, ये बुक की फोटोकॉपी देने के उन्होंने मेरे से 5,000 रुपए लिए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बुक कहाँ मिलती है, मेरे को तो बस इसमें सिक्के दिखे और मैंने इस बुक की फोटोकॉपी ली उनसे और मेरे से उन्होंने इस बुक का 5,000 रुपए चार्ज किए। अब ये बुक तो ले ली मैंने शौक शौक में, लेकिन इसमें ज़्यादातर मुगल कॉइन, ब्रिटिश कॉइन और प्रिंसली स्टेट के कॉइन हैं, जो कि मैंने तो कभी देखे भी नहीं थे और ना मुझे मिलते थे। तो मैं क्या करूँ क्या करूँ, इसी सोचते सोचते अपने दिमाग से मैं करता रहा। फिर जब मैंने करते करते थोड़ा और पैसा इसमें खर्च किया तो मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था, तो बेटे ने देखा यार पापा को बहुत शौक है, तो उनको कहीं से मालूम पड़ा कि इंदौर में एक एकेडमी है डॉक्टर एस के भट्ट की, तो ये डॉक्टर एस के भट्ट जी के यहाँ मेरा बेटा गया और तो उन्होंने न्यूमिस्मेटिक का कोर्स किया। इसके बाद थोड़ा सा हमारे घर में एक पॉजिटिविटी आने लगी, क्योंकि जब आप सिक्के इकट्ठा करना चालू करते हो तो जो नए कलेक्टर हैं, आपके साथ में भी ऐसा होता होगा कि आपके घर में बहुत विरोध होता है, तो जब क्योंकि मेरी वाइफ को बहुत बुरा लगता था कि यार ये क्या चिल्लर इकट्ठी करते रहते हैं, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं, मेरी तरफ देखते भी नहीं पर मुझे उसका नशा चढ़ चुका था, तो बेटे ने भी साथ दिया, बेटे ने साथ दिया, उसने कोर्स किया, उसके बाद हमारा कलेक्शन थोड़ा व्यवस्थित होने लगा। और किस्मत से एक एग्जीबिशन लगी इंदौर में और वो लाइफ की पहली एग्जीबिशन हमने अटेंड की और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई हार्दिक जी से। और लास्ट डे गया था मैं, हार्दिक जी से जब मुलाकात हुई तो वहाँ पे मैंने ये नोट रखने के स्लीव, ये शीट जो रहती है, ये शीट उनसे ली थी, क्योंकि मेरे पास कुछ फॉरेन के नोट भी आ चुके थे, तो मैंने वो नोट रखने की शीट ली उनसे। और लास्ट डे था और वो शीट लेके जब हम घर पहुँचे तो मालूम पड़ा कि हमने 3 पॉकेट वाले का ऑर्डर किया था और वो गलती से 4 पॉकेट वाली दे दी। अब वो नोट हमारे पास इतने छोटे थे नहीं जो उसमें आए। फिर हमने हार्दिक जी को फ़ोन लगाया और उनसे बात हुई और उन्होंने हमको वो शीट रिटर्न की, दूसरी भेजी, उसका कोई चार्ज नहीं लिया। उस दिन से जो जगह बनी मेरे दिल में हार्दिक जी के लिए, एक विक्रेता जो 200 रुपये का सामान बेच के इस शहर से जा चुका था और अगली बार कब आएगा उसे पता नहीं था, ना मैं उसको जानता था ना उनको मेरा नाम पता था, लेकिन उन्होंने एक आम इंसान के लिए इतना किया, ये चीज़ मैं जीवन भर नहीं भूला और ना भूलूँगा। उसके बाद फिर हमारे संबंध बढ़ गए और हम करते रहे। अब इसमें हार्दिक जी का भी धन्यवाद है, मेरे बेटे का भी धन्यवाद है और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी बेटी का कि उसने YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया मुझे जहाँ पे मैं अपने दिल की बात कह सकता था, अपना कलेक्शन दिखा सकता था, क्योंकि पहले कलेक्शन सिर्फ करता था मैं तो ऐसे डब्बियों में इसमें उसमें भरा हुआ रखा रहता था, मुझे कुछ नॉलेज था नहीं, कहाँ से नॉलेज गेन करूँ, कोई रास्ता नहीं था, मंजिल दिखती थी लेकिन वहाँ तक जाने के रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे, वहाँ तक जाने के साधन नज़र नहीं आ रहे थे। फिर जब हम YouTube पे आए तो फिर हमारी मुलाकात साईनाथ रेडप्पा जी से हुई और उनकी सबसे पहली बुक मैंने ये वाली ली और इस बुक ने मेरा जीवन बदल दिया। इस बुक के बाद मुझे पता चला कि कलेक्शन करना कैसे है। तो आप सभी से भी मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ कि आप सिर्फ फाइन कलेक्शन मत करें, फाइन के साथ उसका नॉलेज भी कलेक्ट करें। तो नॉलेज कहाँ से इकट्ठा करना है, या तो यूट्यूब से, किसी वीडियो के माध्यम से, या गूगल से, या बहुत अच्छा साधन रहता है कि यदि आपके पास वो लिखित में हो तो जो एक लिखा हुआ प्रूफ है आपके पास वो आपसे कोई छीन नहीं सकते। यूट्यूब पे मैंने कोई वीडियो डाल दिया कि इंदिरा गांधी का सिक्का 5 करोड़ रुपये का, आपने वीडियो देख लिया, मेरे को व्यू मिल गए, एक महीने बाद मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। अब आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने बोला था 5 करोड़ का सिक्का? लेकिन ये रेडप्पा जी ने जब बुक बनाई इसमें लिखा है तो 100 साल बाद भी, 1,000 साल बाद भी इसमें जो लिखा है वो अकाट्य है कि वो सही है। इस बुक के बाद सेकंड बुक
की लॉन्चिंग हुई थी, बेंगलोर में हम मिले थे, तो यह बुक का इंटरव्यू हमने डाला था सईना तेडप्पा जी के साथ में, और उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, आप सभी लोगों ने बुक ली। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप जो अब बुक आ रही है वो वाली बुक भी ज़रूर लें, क्योंकि एक बुक होने से आप अपने कलेक्शन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके घर में भी विरोध ज़रूर होता होगा कि कलेक्शन मत करो, ये मत करो, तो आप उस विरोध को पॉजिटिविटी में लीजिए। मेरे घर में भी बहुत विरोध होता था, सबसे ज़्यादा विरोध मेरी वाइफ करती थी, लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरी वाइफ पर ही करता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ ने इतना विरोध किया यहाँ तक कि मुझे पागल तक बोल दिया, बोले ये तो पागल हो गए। पर मैंने कहा कि हर महान इंसान को लोगों ने पागल ही कहा है, किसी फिल्म का एक डायलॉग सुना था मैंने। मैंने कहा ठीक है, हम भी महान बनना है तो पागल बनना पड़ेगा। और फिर उस पागलपन में मैंने ये तय किया कि मेरे को मेरी वाइफ को कुछ करके दिखाना है, उसके सामने ये साबित करना है कि ये पागलपन मुझे किसी एक नई जगह पर ले जा सकता है। आज सबसे ज़्यादा वही मुझे प्यार करती है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी लोग भी, जिन जिन के घर में आपको पागल कहा जाता है, आपका विरोध किया जाता है, वो सब इसको पॉजिटिव वे में लें, और आप भी एक दिन महान बनने वाले हैं, इसीलिए आपको पागल कहा जा रहा है। अब इसको करने से सुकून मिलता है, तो कलेक्शन करते हैं सुकून मिलता है, तो कई लोग बोलते हैं कि यार सुकून क्या मिलता है, तो मेरे को इतने साल हो गए, आज तक मैं वो शब्द नहीं ढूंढ पाया, वो वाक्य नहीं ढूंढ पाया जिन शब्दों और जिन वाक्यों से मैं आपको यह बता पाऊँ कि कलेक्टर बनने से क्या सुकून मिलता है। यह एक ऐसा एहसास है, जब आप एक कलेक्टर बनते हो तो आप उसको महसूस कर सकते हो, आप उसको शब्दों में नहीं बता सकते। जैसे मैं एक छोटी सी बात बोलूं कि यदि आपने जीवन में कभी जलेबी नहीं खाई और किसी और व्यक्ति ने जलेबी खाई है, वो और आपको बताना चाहता है कि जलेबी का स्वाद कैसा होता है, आपने मीठा भी नहीं खाया, आपने नमकीन भी नहीं खाया, आप सिर्फ फ्रूट खा रहे हैं या आप सिर्फ दूध पी रहे हैं, उस पर आपका जीवन चल रहा है और आप 7-8 साल के 10 साल के हो गए, अब आपको टेस्ट करना है कि जलेबी, और मैंने कभी खाई नहीं है, या मैं किसी ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे जलेबी मिलती नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो मैं कैसे बताऊँगा आपको कि जलेबी का टेस्ट कैसा होता है। जब मैं खाऊँगा, मेरी जीवन पर उसका स्वाद आएगा, तभी आप बता पाएंगे कि हाँ जलेबी का टेस्ट ऐसा होता है। तो उसी तरीके से फाइन कलेक्शन में नशा या जो आनंद या जो सुकून मिलता है, जो अनुभव होता है, वो जब आप एक बड़े कलेक्टर बनेंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे कि फाइन कलेक्शन से क्या फ़ायदा होता है, इसको आप शब्दों में नहीं बता सकते। कलेक्शन के एक्चुअली दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं तो कलेक्शन के भी दो पहलू होते हैं। एक तो होता है हॉबी, कि आपको हॉबी है, शौक है, आप सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, कि आप जैसे जैसे सिक्के इकट्ठे करते जाते हैं, आपके घर में उतनी चीज़ इन्वेस्ट होती जा रही है, उतनी रकम इन्वेस्ट होती जा रही है, जो धीरे 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 करके काफ़ी बड़ी हो जाती है। आप शुरुआत जब भी करते हैं तो एक सिक्के से ही करते हैं, यदि आपको बगैर पैसा खर्च करे इस हॉबी की शुरुआत करना है, यदि आपको पैसा खर्च करके करना है तो बहुत सारे रेडी एल्बम मिलते हैं, आप ले आइए जाके 10-20-25-50 लाख रुपए जेब में रख के ले जाइए और जितना भी कलेक्शन आपको चाहिए वो ले आइए, लेकिन उससे आपको वो आनंद, वो खुशी नहीं मिलेगी। आप जाएंगे 50 लाख रुपए के एल्बम लेके आएंगे, घर में रखेंगे, 4 जनों को दिखाएंगे, ये मैं लेके आया, इंडिया में किसी के पास नहीं है, मेरे पास है, ये एक ही सिक्का है, ये एक ही नोट है, ये मेरे पास है, ये मैंने 10 लाख में खरीदा, ये 20 लाख में खरीदा, लेकिन वो आपको जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आप जब एक एक सिक्का इकट्ठा करते हैं, आप रेगुलर चलन में से किसी सब्जी वाले से, दूध वाले से, ऑटो वाले से जब वो रिटर्न पैसा मिलता है, वो चिल्लर घर आती है, तो उस चिल्लर में से जब आप वो पैसा इकट्ठा करते हैं तो वो 5 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का आपको 10 रुपये में ही पड़ा, आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना पड़ा,
आप 10 साल 20 साल बाद भी यदि किसी कारण से वो बेचेंगे तो आपको जितना भी उस पर प्रॉफिट मिलेगा, जितना भी प्रीमियम मिलेगा, वो आपकी कमाई होगी। लेकिन यदि आप महंगे रेटों में सिक्के खरीदेंगे तो जब आप उनको बेचने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको उस पर थोड़ा लाभ भी उठाना पड़े। तो खास करके जो नए कलेक्टर हैं, जो बेसिक हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, यह टिप्स उन लोगों के लिए है कि आप शुरुआत अपने रेगुलर कॉइन में से ही करें। जब आपके पास रेगुलर कॉइन इकट्ठे हो जाएंगे, अब अभी तो हम आपको हार्दिक जी का नंबर या दूसरे कई लोगों के नंबर देते हैं, लेकिन जब हमारे पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी तो जब ये डब्बी में रखते थे, डब्बी में रखने के बाद में हम उसको फिर ऐसी पन्नियों में रखते थे कि हमें पता ही नहीं था कि फोल्डर कहाँ मिलते हैं, तो ऐसी पन्नियों में रखने लगे। पन्नियों में रखने के बाद जब नोट इकट्ठे हो गए थे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके एल्बम भी आते हैं, तो मैं स्टेशनरी से जाके ये फाइल लेके आया और ये फाइल में मैं वो शीट लगा के और इसमें इकट्ठे करता था। तो अभी तो इतनी सुविधाएं हो गई है आप लोगों को, यूट्यूब पे और बाकी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती है, आप अपने कलेक्शन को इतनी आसानी से इतना व्यवस्थित कर सकते हैं। हमारे टाइम पे तो ये सारी सुविधाएं भी नहीं थी। तो आप सभी लोग ज़रूर करें और शुरुआत एक सिक्के से, दो सिक्के से करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है या ऐसा इतिहास है कि आर्ट कलेक्टेबल में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और जो कॉइन कलेक्शन है इसे भी आर्ट कलेक्शन में ही, यह भी एक आर्ट कलेक्शन की ही कैटेगरी है। तो जब आप कलेक्शन करेंगे तो जब आपको रिटर्न मिलेगा, तो अभी तक का जो इतिहास है वो आर्ट कलेक्टेबल में सबसे ज़्यादा अभूतपूर्व रिटर्न प्राप्त हुए हैं लोगों को। तो आप इसे एक इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से भी शुरू कर सकते हैं। दो फायदे तो हो गए आपको कि रिटर्न अच्छा मिलेगा, आपकी पूंजी होगी, लेकिन जैसे सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है कि आउटवर्ड्स और रिवर्स के अलावा उसकी एज भी होती है, तो इसमें भी एक तीसरा पहलू है कि यदि आप सिक्के इकट्ठे करते हैं तो आप उस देश की जो इतिहास है उसको भी आप कलेक्ट कर रहे हैं। यह एक धरोहर है इस देश की, जो भी सिक्के आप जिस भी देश के करते हैं तो यह एक धरोहर है। तो जब आप सिक्के इकट्ठे करते हैं तो आप उस देश का इतिहास, उस देश की धरोहर को भी इकट्ठा कर रहे हैं, उसको भी सजो रहे हैं, संवार रहे हैं। तो आप तीन काम एक साथ करते हैं, और इससे जो खुशी मिलती है वो तो मैंने बताया ही आपको कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ कलेक्टर मत बने, आप कलेक्टर पैदा करें। मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपके घर में सबसे पहले एक कलेक्टर होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, आपका बेटा, बेटी, वाइफ, भाई बहन, जो भी, जो आपके अलावा उसमें इंटरेस्ट रखता हो। क्योंकि मेरे पास कई बुजुर्ग लोगों के मैसेज आते हैं, या मैं एग्जीबिशन में जाता हूँ तो कुछ बुजुर्ग लोग मिलते हैं, 70+ के लोग, उनके पास अभी भी मैसेज हैं, एंडिंग में हैं, कई मेल पड़े हैं कि मेरी एज 73 है, मेरी 78 है, मेरी 82 है, और मेरे घर में कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस हॉबी के लिए, अपने लाखों रुपए लगा दिए, और जब वो जाने की स्थिति में आए तो उनके घर में उसको समझने वाला ही कोई नहीं है, बहुत ही चिंता का विषय है। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा जैसी गलती पहले के कुछ बुजुर्गों ने की, कि वो अपने सिक्कों को बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते कि ये सिक्का महंगा है, ये घूम जाएगा, ये तेरे काम की चीज़ नहीं है, तू पढ़ाई में ध्यान दे। इस तरीके से बचपन में ही उनको उस हॉबी से दूर कर दिया। और आजकल के बच्चे तो एक नई बीमारी, बच्चा पैदा होते से ही माँ बाप एक दिन और दो दिन के बच्चे को मोबाइल पे वीडियो गेम और ये सारी चीज़ें दिखाने लग जाते हैं। पैदा होने के 2-4 घंटे के अंदर मोबाइल से उसका परिचय हो जाता है, उसकी फ़ोटो खींच ली जाती है, और सब दो तो कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने, मतलब अगर एक कंपटीशन रखी जाए कि सबसे ज़्यादा परेशान कौन है अपने बच्चों से,
तो 2-4 करोड़ लोग आ जाएंगे कि सबसे ज़्यादा परेशान मैं हूँ अपने बच्चों से, क्योंकि वो सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम खेलते हैं, व्हाट्सएप, ये वो सारी चीज़ें। तो यह एक लत की तरह लग गई है लोगों को, इंटरनेट और मोबाइल। तो यदि आप अपने बच्चों को सिक्कों की तरफ ध्यान देंगे कि सिक्कों में और नोटों में इस हावी की तरफ, उनको भले स्टार्टिंग में ज़बरदस्ती आपको करना पड़े कि नहीं आप कम से कम ये 10 सिक्के देखो, इसका इतिहास देखो, इसके बारे में मेरे को बताओ, ये सिक्का किसने छापा, कब निकला, क्या इसका वजन है, कौन सी धातु है, नेट से सर्च करके बताओ, तो उनका नेट से कनेक्शन भी हो जाएगा और वो सिक्के के बारे में भी वो खोजेंगे। जब वो 1 सिक्के 2 सिक्के की स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिक उनकी जिज्ञासा जागेगी कि यार सिक्कों में इतना कुछ है, तो वो धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाएंगे आपके सिक्कों की तरफ, और फिर वो भी आपको आगे का ज्ञान देंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा एडवांस हैं। आप लोगों के पास कुछ ज्ञान होता है, हम लोगों के पास कुछ ज्ञान होता है, लेकिन नेट पे हर एक मिनट लाखों घंटों का कंटेंट अपलोड हो रहा है, तो उसमें से कोई कंटेंट ऐसा होता है कि जो आपके लिए फ़ायदे का हो सकता है, तो आपके बच्चे आपको बता सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर लाएं। मतलब मैं तो इतना कहना चाहूँगा आपसे कि यह शर्त है कि यदि आपके घर में कोई इस हॉबी में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इस हॉबी को अपनाओ ही मत, क्योंकि फिर आप अभी हॉबी को अपना लोगे और जब आपकी एज हो जाएगी, आपके घर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर दुख होगा। तो आज जो चीज़ आपको सुखी देगी कल वही दुख देगी, तो ऐसी हॉबी क्यों करें? ऐसा मत करो। अपने बच्चों को नहीं हो तो ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी, आपके कोई रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी होते हैं, उनसे भी आप बात करो, क्योंकि कभी भी फैमिली गेट टुगेदर होता है तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, उनको भी इसमें इंटरेस्ट होगा, आपकी बातें इसके ऊपर होगी, और जब इसके ऊपर बातें होगी तो फालतू की बातें से आप बचोगे और इसके ऊपर आपका ज्ञान आदान प्रदान कर पाओगे, और जब आप इन सिक्कों के ऊपर ज्ञान आदान प्रदान करोगे तो आपका कलेक्शन और बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि नया सिक्का आया या कोई बहुत पुराना सिक्का किसी व्यक्ति के घर से निकला, उसके पास 10 पीस निकल गए और आप 10 लोगों के पास है ही नहीं, तो वो 1-1 सिक्का आप एक्सचेंज कर लो, ऐसे करके आपका धीरे धीरे कलेक्शन बढ़ता जाएगा, और मतलब जो खुशी मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, वो तो ही मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आप ऐसा मत करो कि सिर्फ सिक्के ही सिक्के इकट्ठे करो कि ये सिक्के वो सिक्के, आप सिक्कों और नोटों के साथ उनका नॉलेज भी इकट्ठा करो, सिक्के का पूरा गहराई से अध्ययन करो और उसका नॉलेज इकट्ठा करो, नए सिक्के के बारे में भी आप नॉलेज इकट्ठा करो कि कौन से नए सिक्के आने वाले हैं या पुराने सिक्के कौन से थे। सबसे पहले आप शुरुआत करो आपके रेगुलर चलन में जो सिक्के आपको मिल रहे हैं, जैसे कापड़ निकल के सिक्के अभी धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे मार्केट में, अभी आपको थोड़े बहुत कापड़ निकल के सिक्के मिल रहे होंगे लेकिन थोड़े दिनों बाद वो आपको दिखेंगे ही। 10 रुपये के सिक्के चलते हैं अभी, 10 रुपये का बाई मेटल सिक्का चलता है, तो क्योंकि धातु की कीमत बढ़ती जाती है, तो उस सिक्के को देख के आप उस धातु की कीमत का भी पता लगा सकते हो, जो कि एकदम सत्य है कि जैसे कापड़ निकल का जो 1 रुपये का बड़ा वाला सिक्का आता था, अब कापड़ निकल का 1 रुपये का बड़ा सिक्का क्यों नहीं आता? क्योंकि वो कापड़ निकल के सिक्के में जितनी धातु यूज होती थी उससे ज़्यादा कीमत हो गई है अब उस धातु की, अगर उसको गला के बेच देंगे तो 1 रुपये से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए वो सिक्के चलन से बाहर हो गए। तो जब आप सिक्के इकट्ठे करते हो तो आपको ये भी पता होता है कि उस टाइम पे इस धातु की कीमत इससे कम थी। चांदी का 10 रुपये का सिक्का जो था उस ज़माने में, 10 रुपये में उस सिक्के में जितनी चांदी है उससे ज़्यादा चांदी आपको मिलती थी, इस वजह से वो चांदी का सिक्का था। अभी जी टाइम मुझे ध्यान नहीं रहा क्योंकि मैं बोलना चालू करता हूँ तो बोलता ही रहता हूँ, तो 1-2 मिनट है मेरे पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लगता है मैंने थोड़ा बोर कर दिया होगा आप लोगों को, क्योंकि जो स्पीकर हैं वो तो सब महान लोग हैं और मेरी ये छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों वाली बातें सुन के बोर हो रहे होंगे, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं, जो नए कलेक्टर बनना चाहते हैं, उनको शायद अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू कि आपको कैसा लग रहा है। और सच में मैं आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए, जो आप सभी लोग जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। और एक्चुअल में आप सभी लोग जुड़े हैं साईनाथ रेडप्पा जी की बुक लॉन्चिंग के लिए और हमको सुनना पड़ रहा है,
तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ और उन्हें ही मौका दूँ सुनने के लिए, और फिर से एक बार आप सभी का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी लोग जो भी जुड़े हैं। यदि आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं हो तो हम किस काम हैं। तो आपको मैं नमन करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। यदि फिर वक्त मिला तो ज़रूर एक मीटिंग करेंगे साथ में और फिर थोड़ा ज्ञान लेंगे और देंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने की चीज़ है। आप ज्ञान अपने पास रख के करोगे क्या? और ज्ञान बांटोगे तभी जब आपके पास ज्ञान लेने वाले हों। तो आप जैसे प्यारे प्यारे लोग हमसे जुड़े हैं इस ज्ञान को लेने के लिए, तो फिर से आप सभी का एक बार शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही किसी मजेदार सिक्के की कहानी लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। अगर आपके पास यह सिक्का हो तो नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं। सिक्के जमा करिए, आनंद के साथ पैसे भी कमाइए। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम और आपकी कमेंट हमारे वीडियो में आए? आपको सिर्फ इतना करना है, कॉइन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचार लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट्स हमारे आने वाले एपिसोड्स में आए। हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ते हैं।